कंगना रनौत के बाद अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी दिया बॉलीवुड पर अपना रिएक्शन। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर शॉकिंग स्टेटमेंट करते हुए कह दी बड़ी बात। आखिर क्या कहा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, आइए जानते हैं। आज के समय में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पिछले काफी समय से अपनी फिल्मों के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ के कारण ज्यादा चर्चा में हैं। कुछ दिनों पहले ही नवाज की वाइफ आलिया ने उन पर काफी आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की थी। इसी बीच नवाज की फिल्म सीरियस मैन भी रिलीज हुई, जिससे काफी सराहना मिली। हालांकि नवाज का मानना है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी भी अपने काम की मान्यता विदेशों से चाहता है और इसीलिए इंडस्ट्री का नाम बॉलीवुड बदल देना चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए नवाजुद्दीन ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि एक चीज बदल जाए और वो है खुद बॉलीवुड का नाम। ये जो उधार का नाम ले रखा है, सबसे पहले हमें ये बदलना चाहिए। बता दें कि इससे पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत भी ट्वीट कर ये कह चुकी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम बॉलीवुड बदल देना चाहिए, क्योंकि ये हॉलीवुड की कॉपी है और इसके इस्तेमाल को भी बैन किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर नवाज की फिल्मों को मिली सराहना पर और बॉलीवुड इंडस्ट्री और इंडियन ऑडियंस से मिल रहे रिस्पांस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि हाँ ये फैक्ट है, मेरी बहुत सी फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई है और उन्हें वहाँ अवार्ड्स भी मिले, लेकिन जब वही फिल्म यहाँ रिलीज हुई थी तो उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्हें यहाँ तभी सराहना मिली जब उनको पश्चिम की मान्यता मिल गई। नवाज ने ये भी कहा कि उन्हें बाहर की फिल्मों के ऑफर मिलते हैं, लेकिन वो केवल शोर शराबा करने के बजाय इंडिया में ही काम करके खुश है। वेल, फिलहाल आप हमें बताएं क्या आप नवाज और कंगना के इन स्टेटमेंट से सहमत हो। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के खिलाफ आवाज उठाने के बाद अब कंगना रनौत ने साधा बॉलीवुड पर निशाना। बॉलीवुड वर्ड को लेकर जताई आपत्ति, कहा कि ये हॉलीवुड की कॉपी है। आखिर क्या कहा कंगना ने, आइए जानते हैं। बेबाक अंदाज के लिए फेमस कंगना रनौत हमेशा कुछ ना कुछ रीजंस के लिए विवादों में रहती है। कंगना बिना डरे जो मन में आए कह देती है। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स पर भी तंज कसा था, जब उन्होंने मीडिया वालों के खिलाफ केस फाइल किया था और अब उन्होंने बॉलीवुड वर्ल्ड के खिलाफ आवाज उठाया है। बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए और इंसल्ट करते हुए कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के साथ उन्होंने #IndiaRejectsBollywood का इस्तेमाल किया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि बॉलीवुड शब्द ही डेरोगेटरी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देर आर आर्टिस्ट एंड देर आर भंस, देर इज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड देर इज बॉलीवुड, #IndiaRejectBollywood, मोस्ट रिडिकुलस वर्ड बॉलीवुड इटसेल्फ कॉपीड एंड स्टोलन फ्रॉम हॉलीवुड, प्लीज रिजेक्ट दिस डेरोगेटरी वर्ड, #IndiaRejectBollywood। एक होते हैं आर्टिस्ट और दूसरे होते हैं भंड लोग, एक होता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और फिर आता है बॉलीवुड, #IndiaRejectBollywood। सबसे हास्यपद शब्द बॉलीवुड ने खुद को हॉलीवुड से कॉपी और चोरी किया, कृपया इस अपमानजनक शब्द को अस्वीकार करें, #IndiaRejectBollywood। वेल, इसके बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने #IndiaRejectBollywood लिखकर कंगना को सपोर्ट किया तो कई लोगों ने कंगना को ही ट्रोल कर दिया। पहले दिखाते हैं आपको कंगना के सपोर्ट में आए लोगों के उन ट्वीट्स, डाले एक नजर। वही कई लोगों ने कंगना को ही ट्रोल कर डाला, कहा कि वो ये सब लाइमलाइट के लिए कर रही है। डाले ऐसे ट्वीट्स पर भी एक नजर। वेल,
कंगना के इस ट्वीट के बाद फैंस दो हिस्सों में बट चुके हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप कंगना के इस ट्वीट के साथ सहमति रखते हैं, या आप भी यही मान रहे हैं कि कंगना ये सब सिर्फ लाइमलाइट के लिए कर रही है? आपकी राय इसमें बेहद जरूरी है, हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल ना भूले। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।